नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 जून दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रांची से पटना पहुंची वंदे भारत, ऐसे हुआ स्वागत। दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार में शिक्षक बनाए जाने को लेकर शिक्षकों का भारी विरोध। बकरीद को लेकर आज से मिलेगा वेतन और पेंशन। 30 जून तक निपटा ले ये जरूरी काम। 2011 वर्ल्ड कप में धोनी की डाइट पर सहवाग का बड़ा खुलासा। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईटीबीपी कांस्टेबल के 458 रिक्त पदों पर भर्ती। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ओर से कांस्टेबल के 458 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। रांची से पटना पहुंची वंदे भारत, ऐसे हुआ स्वागत। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को पटना के लिए रवाना किया गया। ऐसे में जहां जहां से वंदे भारत गुजरी, लोगों ने फूलों के साथ इसका स्वागत किया। इस दौरान लोगों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं शाम 5:40 बजे पटना जंक्शन पर वंदे भारत का स्वागत सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक नितिन नवन, मेयर सीता साहू और कई लोगों के द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान रविशंकर प्रसाद के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि वंदे भारत ट्रेन देश की ट्रेन है। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी की रेल नहीं है, यह देशवासियों के सफर के लिए है। बता दें कि आज यानी कि 28 जून से वंदे भारत ट्रेन आम यात्रियों के लिए भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में पटना से ट्रेन सुबह 7 बजे निकलेगी और 1 बजे रांची पहुंचेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन मंगलवार को नहीं चलेगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वर पाठक के बारे में। बिंदेश्वर पाठक एक भारतीय समाजशास्त्री और सामाजिक उद्यमी है। वह भारत स्थित सामाजिक सेवा संगठन सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। वह भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके काम को सामाजिक सुधार, विशेषकर स्वच्छता और साफ सफाई के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। उनके काम के लिए उन्हें वर्ष 2017 के लिए लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें 1991 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2003 में उनका नाम ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर में जोड़ा गया। बिंदेश्वर पाठक को एनर्जी ग्लोब अवार्ड और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए दुबई इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। वर्ष 2009 में उन्हें था जून 2018 में उन्हें टोक्यो जापान में निक्केई इंक द्वारा संस्कृति और समुदाय के लिए निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रावणी मेला क्षेत्र में ये रहेगा बैन, इस्तेमाल करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी के द्वारा एक समीक्षा बैठक कर यह निर्णय दिया गया है कि यह श्रावणी मेला क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति को इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जब्ती की कार्रवाई भी होगी। इसके साथ ही इस समीक्षा बैठक में यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि मेला क्षेत्र में चापाकल में से लगभग 22 चापाकल पूर्णतः कार्य से कर दिए गए हैं। वहीं शेष बचे 35 चापाकलों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा 367 अस्थायी और 165 अस्थायी शौचालय की सफाई की जा चुकी है। वहीं 20 वाटर प्यूरिफायर मशीन को 10 चिन्हित स्थान पर लगाया जा रहा है। 5 स्थानों पर ओवरहेड स्प्रिंकलर भी लगाए जाएंगे। 10 टैंकर में 2 वाटर एटीएम की व्यवस्था की जाएगी। दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार में शिक्षक बनाए जाने को लेकर शिक्षकों का भारी विरोध। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियमावली में संशोधन करते हुए बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि इस बदलाव के तहत अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय पर एक बार फिर से बिहार के शिक्षकों का गुस्सा फूट गया है। बिहार एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा के द्वारा कहा गया कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो बदलाव किया गया है इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और इसके लिए रोड पर उतरूंगा। नीतीश कुमार समझ क्या लिए हैं, नियमावली में रोज रोज संशोधित किया जा रहा है। बिहार के युवा बेरोजगार बैठे हैं और अन्य राज्य को मौका दिया जा रहा है। सरकार का यह फैसला बर्दाश्त से बाहर है। वहीं अध्यक्ष अमित विक्रम के द्वारा कहा गया कि वर्तमान समय में सरकार ने जो संशोधन किया है यह बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्रूर मजाक किया गया है। एक लंबे आंदोलन के बाद बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हुई थी जिसे खत्म कर दिया गया। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के मंसूबों के कारण इस तरह का फैसला लिया है। इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।
बिहार में बढ़ रहे चिकन पॉक्स को लेकर केंद्र की एडवाइजरी जारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल के द्वारा बिहार में बढ़ रहे चिकन पॉक्स को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह को एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें चिकन पॉक्स से बचाव, प्रबंधन व उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों पूरे बिहार में वर्सिला जोस्टर वायरस के कारण चिकन पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं। मालूम हो कि जारी किए गए एडवाइजरी में उन बच्चों को स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व डे केयर सेंटर जाने को मना किया गया है जिन्हें चिकन पॉक्स है। इसके साथ ही इन बच्चों को कम से कम 6 दिन के लिए आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। वहीं इस संबंध में सरकारी अस्पतालों को जागरूकता फैलाने व उपचार संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। एडवाइजरी में बच्चों को चिकन पॉक्स के दौरान एस्प्रिन नहीं देने की सलाह दी गई है। बिहार में 36 लाख लोगों को एक साथ भेजा जाएगा वज्रपात का अलर्ट। बिहार में मॉनसून के दौरान हुए वज्रपात से राज्य में कम से कम लोगों की मौत हो और कम से कम लोग घायल हो, इसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जून महीने तक एक डाटाबेस तैयार किया गया है। बता दें कि तैयार किए गए इस डाटाबेस में 36 लाख लोगों के नंबरों को जोड़ा गया है। अब इन सभी 36 लाख लोगों को एक साथ मॉनसून में ठंड का, तेज आंधी व बारिश की जानकारी दी जा सकती है। मालूम हो कि इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से 24 घंटे अपडेट रखा जाएगा, ताकि किसी भी समय लोगों को SMS के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जा सके। बता दें कि इस डाटाबेस में सरकारी अधिकारी, जीविका, आंगनबाड़ी सेविका और आशा सहित आम लोगों को भी शामिल किया गया है। मालूम हो कि इस वर्ष 2023 में अब तक ठनका से मरने वालों की संख्या करीब 10 बताई गई है। बिहार में 6 नए स्टेट हाईवे के लिए लोन मंजूर। बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 3 के तहत राज्य में 6 नए स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB से लोन लेने का निर्णय लिया गया था, जिस पर मंजूरी मिल गई है। बता दें कि ADB के द्वारा 6 नए स्टेट हाईवे को चौड़ा और उन्नत करने के लिए $295 मिलियन के लोन की मंजूरी दे दी गई है। मालूम हो कि इन 6 नए स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 266 किलोमीटर है। बता दें कि इस परियोजना में राज्य सरकार के द्वारा खुद $156.6 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि $295 मिलियन से जिन 6 नए स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण और उन्नत का काम किया जाएगा, उनमें मानसी सिमरी बख्तियारपुर पथ SH95, कटिहार बलरामपुर पथ SH98, YC बहादुरगंज दिग्घल बैंक पथ SH99, अंबादेव मदनपुर पथ SH101, मंचवे गोविंदपुर पथ SH103 और बेतिया नरकटियागंज पथ SH105 शामिल है। इन सड़कों के बन जाने से खगड़िया, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, औरंगाबाद, नवादा और पश्चिमी चंपारण जिले में विकास का रास्ता साफ हो जाएगा। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे सोन भंडार गुफा के बारे में। राजगीर स्थित सोन भंडार गुफाएं आमतौर पर तीसरी या चौथी शताब्दी के समय की प्रतीत होती है। हमारे युग के चौथी शताब्दी के गुप्त पात्रों में गुफा के प्रवेश द्वार पर चट्टान में एक शिलालेख में वैरादेवा नाम के एक जैन मुनि द्वारा तहखाने के निर्माण का उल्लेख किया गया है। शिलालेख ने स्वाभाविक रूप से गुफा को चौथी शताब्दी का होने की पुष्टि की है। स्थान पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए गुफा बनाई थी, जिस कारण इस गुफा का नाम पड़ा था सोन भंडार। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा की एक चट्टान पर संकलिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इस संकलिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खजाने तक पहुंचने का यह रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो कि सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुँचती है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किए 3 नकलचियों के नाम। बीते दिन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 3 नकलचियों के नाम जारी किए गए हैं, जो परीक्षा के दौरान नकल करते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। बता दें कि यह तीनों नकलची महिला अभ्यर्थी है, जिन्होंने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नियमों के विरुद्ध काम किया था। ऐसे में अब इन तीनों अभ्यर्थियों के नाम को सार्वजनिक कर इन पर 12 फरवरी 2023 से 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि अब ये तीनों अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली परीक्षा में 5 साल तक हिस्सा नहीं ले पाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BPSC की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जिन 3 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, उनके नाम है सविता कुमारी, गीता कुमारी और पूजा कुमारी। इनमें से सविता कुमारी के पास से परीक्षा के दौरान फोन बरामद किया गया था, तो वही गीता कुमारी अपने निर्धारित स्थान के बदले दूसरी जगह पर बैठ गई थी, जबकि पूजा कुमारी के पास से नकल के पेपर बरामद किए गए थे। बिहार पुलिस SI फायर ऑफिसर परीक्षा की डेट जारी। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा उप निरीक्षक और सब डिवीजनल फायर स्टेशन ऑफिस भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है, जिसे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार इस परीक्षा की शुरुआत 16 जुलाई 2023 से होने वाली है। वहीं अगर इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड की बात करें, तो एडमिट कार्ड 30 जून 2023 को जारी किया जाएगा। मालूम हो कि इस परीक्षा के माध्यम से कुल 64 पदों पर नियुक्ति की जानी है। बकरीद को लेकर आज से मिलेगा वेतन और पेंशन।
मुसलमानों का पर्व बकरीद 29 जून को है। ऐसे में इस पर्व को लेकर बिहार सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि आज यानी कि 28 जून से ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जून महीने का वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर वित्त विभाग की ओर से राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार विधानसभा के सचिव, एजी पटना, हाईकोर्ट, सभी एडिशनल मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव ट्रेजरी ऑफिस और स्थानीय आयुक्त बिहार भवन को आदेश जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में करीब 4 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें बकरीद के मौके पर लाभ दिया जाएगा। जीप ने सरातों की बंदोबस्ती नहीं कराई तो जमीन वापस जाएगी राजस्व विभाग के पास। पंचायती राज विभाग के द्वारा सूबे के सभी 38 जिला परिषदों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे धारित भूमि के आंकड़ों की समीक्षा करें और इसकी सूची तैयार करें, अपनी तमाम भूमि की अद्यतन लगान रसीद काटे। इसके साथ ही विभाग की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि भूमि एवं राजस्व विभाग से प्राप्त सैरातों की अविलंब बंदोबस्ती करा लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कराया जाता है तो उक्त सैरात को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग वापस ले सकता है। बता दें कि इस निर्देश को विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा सभी उप विकास आयुक्त, सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दे दिया गया है और साथ ही जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इन सबके अलावा विभाग की ओर से सभी जिप को रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार के बाहर वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाए जाने पर शिक्षा मंत्री का बयान। बिहार में अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकेंगे, इसको लेकर शिक्षकों का विरोध शुरू हो चुका है। वहीं अब इन सबके बीच बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा ऐसा करने के पीछे का कारण बताया गया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के टैलेंटेड छात्र जो बेरोजगार हैं वे इसमें भाग लेंगे, जिससे कि शिक्षण कार्य बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों के सामने एक समस्या आती है कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और अंग्रेजी में अभ्यर्थी नहीं मिल पाते और वे सीट खाली रह जाते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है जिसके तहत शिक्षण कार्य को बेहतर बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने हो रहे विरोध को लेकर कहा कि हर बातों का विरोध होता है, अब हम इस पर क्या कह सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। बिहार मॉनसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि आईएमडी बिहार के द्वारा मौसम को लेकर जारी की गए पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है और साथ ही मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 29 जून की बात करें तो आईएमडी बिहार के द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में इस प्रकार की स्थिति 1 जुलाई तक बने रहने की संभावना जताई गई है। पटना का गांधी मैदान इस वजह से आम लोगों के लिए 2 दिनों तक रहेगा बंद। राज्य में बकरीद को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज से 2 दिनों के लिए आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मालूम हो कि ऐसा बकरीद में होने वाले नवाज को लेकर किया गया है। वहीं कल यानी कि 29 जून को बकरीद के मौके पर यहां नवाज अदा किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चौक चाबंद व्यवस्था किए गए हैं। बता दें कि इस दौरान 500 से लेकर 600 तक पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पटना पुलिस सोशल साइट्स पर भी अपनी नजर बनाए रखेंगे। वहीं गर्मी को देखते हुए हर जगह मेडिकल की टीम और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि इस बात की जानकारी पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दी गई है। ठंडका से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें। बिहार में मॉनसून का आगमन हो चुका है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में ठंडका यानी कि वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा एक पोस्टर शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि ठंडका के दौरान बचाव हेतु क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बता दें कि शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार ठंडका के दौरान यदि आप खुले में हैं तो जल्दी से जल्दी किसी पक्के मकान में शरण ले लें। वहीं अगर आप इस दौरान सफर में हैं तो अपने वाहन पर ही बने रहें। इसके अलावा ठंडका के दौरान खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे के समीप तथा छत पर न जाएं। इसके अलावा पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को भी न छुए। वहीं इस दौरान तालाब और जलाशय के समीप भी न जाएं। इसके अलावा जारी किए गए पोस्ट में यह भी बताया गया है कि वज्रपात की चेतावनी के लिए इंद्रव्रज ऐप डाउनलोड कर ले। 30 जून तक निपटाले ये जरूरी काम। कुछ ऐसे जरूरी काम है जो आपको 30 जून तक निपटाने बहुत जरूरी है। अगर आप इन कामों को 30 जून तक नहीं निपटाते हैं तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो यह काम आप 30 जून 2023 से पहले कर ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और फिर आप कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इसके साथ ही 30 जून तक आरबीआई के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अपने कम से कम 50% ग्राहकों से लॉकर एग्रीमेंट साइन करवा लें। इन सब के अलावा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अमृत कलश नाम से एक खास अवधि जमा योजना स्कीम पेश की गई थी, जिसमें निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तक निर्धारित की गई थी। हालांकि यह हो सकता है कि स्कीम में निवेश करने का समय सीमा बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर
आयोग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि वर्तमान में वोटर सूची का पुनरीक्षण शुरू हो रहा है। वहीं 5 जनवरी 2024 तक आम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन कर दिया जाएगा। बता दें कि इस बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। मालूम हो कि चुनाव को लेकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो कि 20 जुलाई 2023 तक चलेगी। उसके बाद सभी BLO को 22 अगस्त से हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन की शुरुआत करनी होगी जो कि 29 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान सभी मतदाता का फोटो वेरिफिकेशन, बूथों का सत्यापन आदि का काम किया जाएगा। 16 अक्टूबर तक जिलाधिकारियों को वोटर लिस्ट का इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल को ठीक करना होगा और 17 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल को प्रकाशित किया जाएगा और फिर 30 नवंबर तक वोटर से आपत्तियां ली जाएंगी। इसके अलावा वोटर लिस्ट में अधिक से अधिक लोगों का नाम जुड़े इसके लिए 28, 29 अक्टूबर और 25, 26 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। 2011 वर्ल्ड कप में धोनी की डाइट पर सहवाग का बड़ा खुलासा। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा ICC 2023 पुरुष वनडे विश्व कप शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज सहवाग के द्वारा वर्ष 2011 में विश्व कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। उन्होंने बताया कि 2011 विश्व कप के दौरान धोनी की क्या डाइट थी। उन्होंने यह खुलासा स्टार स्पोर्ट्स से की गई बातचीत में किया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि धोनी ने 2011 विश्व कप के दौरान केवल खिचड़ी खाई थी और टीम में हर कोई इसे लेकर बहुत अंधविश्वासी था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने 2011 में कप्तान MS धोनी के नेतृत्व में वनडे वर्ल्ड कप जीता था और क्रिकेट के इतिहास में अपनी जमीन पर वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। इंग्लैंड ने 1932 में लॉर्ड्स में 3 दिन के टेस्ट मैच में भारत को 158 रन से हराकर एक टेस्ट की सीरीज जीती थी। इसमें दोनों टीमों के कई खिलाड़ियों ने पदार्पण किया था। चीन ने 1981 में कैलाश और मानसरोवर के लिए सड़क मार्ग खोला। बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक TS नारायण स्वामी को 2008 में इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 1883 में हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव का जन्म 1921 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का जन्म 1976 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद PC महालनोबिस का निधन 1972 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार अमर गोस्वामी का निधन 2012 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे PM मुद्रा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे PM मुद्रा योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वायरल संदेश में PM मुद्रा योजना के तहत 20,55,000 का ऋण देने का दावा किया जा रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि मैसेज फेक है, ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक न करें। अपने बैंकिंग व्यक्तिगत विवरण साझा करने के लिए पूछे जाने वाले ईमेल SMS का जवाब न दें। इस दिन से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा मिलेगी ये व्यवस्था। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगी। ऐसे में 30 जून को जम्मू कश्मीर शिविर भगवती नगर से पहला जत्था कश्मीर के लिए रवाना होगा। बता दें कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस वर्ष पवित्र गुफा का दर्शन 5 लाख से ज्यादा लोगों के द्वारा किया जा सकता है। मालूम हो कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुफा मंदिर की सुरक्षा का काम भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सौंपी गई है तो वहीं सीढ़ियों के ठीक नीचे CRPF की तैनाती की गई है। इसके अलावा ITBP और BSF के जवानों को मार्ग में 6 अन्य स्थानों पर तैनात किया जाएगा। तीर्थयात्रियों के सुरक्षा की निगरानी के लिए ड्रोन और अन्य आवश्यक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर पुलिस सहायता फोन नंबर के साथ होर्डिंग्स लगाने का निर्देश दिया गया है। वाहनों की आवाजाही पर नजर बनाए रखने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इन सबके अलावा अनावश्यक जाम से बचने के लिए लेन अनुशासन सुनिश्चित किया जाएगा। टेलीग्राम में आया फेसबुक इंस्टा जैसा फीचर। आप में से कई लोग टेलीग्राम ऐप यूज करते होंगे। SMS की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कंपनी ने टेलीग्राम यूजर्स को फेसबुक इंस्टा जैसा फीचर देना शुरू कर दिया है। दरअसल अब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह टेलीग्राम पर भी स्टोरी सेट कर पाएंगे। कंपनी ने ये फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है जो अगले हफ्ते तक सभी को मिलने लगेगा। यह फीचर हूबहू इंस्टा स्टोरी की तरह है जिसमें आप फोटो, वीडियो और टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं। हालांकि कंपनी इस फीचर के साथ कुछ ऐसे ऑप्शन लोगों को दे रही जो इंस्टाग्राम पर लोगों को नहीं मिलती। पहला ये कि आप स्टोरी टाइम को चुन पाएंगे कि कितने देर के लिए लोगों को दिखेगी, जैसे 6, 12, 24 या 48 घंटे। आप ये तय कर पाएंगे कि स्टोरी किस किस को दिखेगी, यानी कॉन्टैक्ट्स, क्लोज फ्रेंड्स, एवरीवन या सिलेक्टेड ड्यूल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, यानी आप स्टोरी पर वीडियो के साथ साथ फोटो भी डाल पाएंगे। आप दूसरे के द्वारा डाली गई स्टोरी को हिडन कॉन्टैक्ट्स में मूव कर पाएंगे, इससे ये टॉप पर नहीं दिखेगी।
बिहार में दिसंबर तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड। बिहार के करीब 4,77,00,000 गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज का रास्ता साफ होने वाला है। दरअसल बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ओर से EKYC को सत्यापित करने के लिए भोजपुर में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। SMS प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए अब इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा, क्योंकि समिति का प्रयास है कि वर्ष 2023 के दिसंबर तक राज्य के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल जाए। बता दें कि EKYC के सत्यापन कार्ड लाभुकों की पहचान करवाने को लेकर समिति की ओर से जीविका समूह की मदद ली जा रही है। दरअसल EKYC का सत्यापन नहीं होने की वजह से कई लाभुक इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, संजय कुमार सिंह, मुटू रंगीला, अंकित कुमार, बद्री कुमार, कन्हैया कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी, अनवर करीम खान, प्रियंका कुमारी, नीरज कुमार, मोहम्मद नौशद आलम, गुनगुन कुमारी, अतीक खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाया या नहीं? आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।